अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की टेक अपडेट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हुआवे मेट 20X 4G के अंदर EMUI 10.1 की अपडेट निकल के आ रही है, जबकि ऑनर 9X यूजर्स के लिए यूरोप के अंदर जून की 2020 सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिली है। सवाल से गाइड करूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, फाइनली EMUI 10.1 की अपडेट हुआवे मेट 20X 4G डिवाइसेस के लिए मिलना स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी अर्से के बाद ये अपडेट मिली है। इससे पहले हुआवे मेट 20X 4G EMUI 10 के ऊपर रन कर रहा था। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 की अपडेट भी नहीं देखने को मिली थी, जबकि अब EMUI 10.1 की अपडेट यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई है। हुआवे मेट 20X 4G से पहले हुआवे मेट 20, मेट 20 प्रो, मेट 20X 5G के लिए EMUI 10.1 की अपडेट मिल गई थी मे के अंदर, जबकि अब जुलाई के अंदर EMUI 10.1 की अपडेट मेट 20X के लिए मिलना स्टार्ट हो चुकी है। जबकि इस अपडेट के अंदर आपको कलरफुल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, न्यू फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मल्टी विंडो स्मार्ट चार्ज, हुआवे ब्राउजर और न्यू जून 2020 की सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगी। इससे पहले सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो मई 2020 की सिक्योरिटी अपडेट इसके अंदर चल रही थी हुआवे मेट 20X 4G डिवाइसेस के लिए, जबकि जून की सिक्योरिटी पैच अपडेट भी यहाँ पे अब अवेलेबल कर दी गई है। वर्जन के हवाले से बात करें तो हुआवे मेट 20X 4G के अंदर EMUI 10.1.0.245 की अपडेट मिली है और इसका साइज 4.55 GB निकल के आ रहा है। सो ये अपडेट रोलिंग आउट बैचेस के अंदर आती है, तो आपकी डिवाइस के लिए बहुत जल्द अवेलेबल कर दी जाएगी। रीजन के हिसाब से साइज और EMUI वर्जन डिफरेंट हो सकता है। बैकअप करके आपको वाईफाई के ऊपर डिवाइस को अपडेट करना चाहिए, जबकि हाई केयर एप्लीकेशन के थ्रू आप चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं। अदरवाइज सेटिंग के अंदर जाए, चेक फॉर अपडेट्स के अगर आपको अपडेट मिलती है तो आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, 10.1.0.245 की अपडेट है और 4.55 GB की अपडेट निकल के आ रही है। EMUI 10.1 की अपडेट है। अपडेट के अंदर चेंज लॉग की बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको EMUI 10.1 की अपडेट के अंदर देखने को मिला। हर डिवाइस के लिए फीचर्स के अंदर आपको मिल जाता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। मल्टी विंडो डॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि काफ़ी सारी विंडोज़ के साथ आप इसको कनेक्ट करके कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, कॉल आंसरिंग भी कर सकते हैं। हुआवे लैपटॉप के जरिए आप इसको कनेक्ट करके बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। कॉल आंसरिंग, फाइल एडिटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आप अपनी डिवाइस के साथ या फिर हुआवे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप सारे फंक्शन कर सकते हैं। मी टाइम ऐड किया गया है, HD वीडियो कॉल्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जो कि वाईफाई के ऊपर या फिर डाटा के ऊपर आप कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी सारी डिवाइस के साथ आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। मोर हैंडी फीचर, सिस्टम परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बैटरी के अंदर स्मार्ट चार्ज मोड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर देखने को मिला है। एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें न्यू देखने को मिल जाती हैं। सर्चिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। दूसरी अपडेट के बारे से बात करें तो ऑनर 9X यूजर्स के लिए यूरोप के अंदर जून 2020 की सिक्योरिटी पैच अपडेट निकल के आ रही है, जिसके अंदर काफ़ी सारी आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी को यहाँ पे अपग्रेड किया गया ऑनर 9X डिवाइसेस के लिए, जबकि इससे पहले मई 2020 के अंदर सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिली थी। और यहाँ पे आपको ऑनर 9X के हवाले से पता होगा कि यहाँ पे आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ऑनर 9X यूरोप के अंदर जून 2020 की सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज कर दी गई है, जबकि इससे पहले आपको मई 2020 की सिक्योरिटी अपडेट के अंदर स्मार्ट चार्ज का ऑप्शन भी देखने को मिला था और कुछ सिक्योरिटी को अपडेट किया गया था, जबकि जून 2020 की सिक्योरिटी अपडेट के अंदर काफ़ी सारी न्यू अपडेट्स देखने को मिली हैं। सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया, 2 Critical 12 हाई लेवल्स की सिक्योरिटी को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है और ये जून 2020 की सिक्योरिटी अपडेट है। और यहाँ पर आपको साइज़ के हवाले से बात करें तो 270 MB का साइज़ निकल के आ रहा है। 10.0.0.216 की अपडेट ऑनर 9X डिवाइसेस के लिए देखने को मिली है, जिसके अंदर जून 2020 की सिक्योरिटी अपडेट भी है और अपडेट बैचेस के अंदर आती है, तो आप अपने रीजन के लिए इंतजार कर सकते हैं। जबकि EMUI का वर्जन और साइज भी डिफरेंट हो सकता है कंट्री रीजन के हिसाब से। सेटिंग अंदर जाए, चेक फॉर अपडेट्स के अंदर, अदरवाइज हाई केयर एप्लीकेशन के थ्रू सर्विस टैब में जाके अपडेट चेक कर सकते हैं। अगर अपडेट मिलती है तो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की टेक अपडेट्स। मजीद टेक अपडेट्स के लिए चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।